इतिहासिक कस्बा खडूर साहब च निहंग बाणे विच सजे एक व्यक्ति वालों अपने ही कुछ होर साथियों नाल मिल के गुंडागर्दी का नंगा नाच किया गया है, जिसके चलते यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गई है। तस्वीरों च साफ दिखाई दे रहा है कि एक नौजवान उत्ते तेज धार हथियारों नाल हमला करके उसनू लहू लहान कर दिया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित व्यक्ति ने दसिया कि गुआंढ विच रहिंदे निहंग सिंह ने निजी रंजिश के चलद उसते हमला किया। उन्होंने कहा कि इस संबंधी पुलिस को कई बार लिखती दरखास्त भी दी गई थी, पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी निहंग सिंह ने खडूर साहब के बाजार में शरेआम अपने साथियों नाल मिलकर उसते तेज धार हथियारों नाल हमला कर दिता। उसने कहा कि परिवारिक मैंबरों से भी निहंग सिंह वालों हमला किया गया है। पीड़ित परिवार ने पंजाब सरकार के जिला पुलिस प्रशासन पासों इस निहंग ते इसके साथियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मसला ही भाजी साडा ना इतने प्लाट सी ते ओ इन्होंने उहदे विच कोई दरख्त सब्जी सुब्जी सी लाई हुई पहला इन्होंने पिछले साल इन्होंने मेरा गेट ला के चोरी लेके बेचता वा की किया हूँ इन्होंने वो मैं गेट निक्का करके तीन लक्कड़ का गेट लाया वो भी तोड़ता जी सब्जी है दरख्त फलदार बूटे लाए हुई वो भी वरते आते कंध ढाती आ फिर मैं जी ये गल हैगी भी तरीक की जी 21 तरीक मैं पुलिस चौकी भी रिपोर्ट की आ तो सारी दरखास्त लिखती रूप में दी आ पुलिस ने अजे तक कोई कार्रवाई नहीं की। उस तो बाद मैं 25 तरीक न मैं एस एच ओ गोंदवाल साहब गया वा उत्थे लिखती रूप रिपोर्ट दी आ लिखती रिपोर्ट देने के बावजूद भी एस एच ओ साहब उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिर मैं 12 अप्रैल एस एस पी तरन तारण साहब गया वा उत्थे लिखती रिपोर्ट रिपोर्ट लिखा के आया वा भी ये बंदे जिहड़े बहुत खतरनाक बंदे आ इन्हां नूं तो मैनू जान माल ते मेरे सारे परिवार को खतरा वा क्योंकि इन्हां कोल नजायज़ हथियार भी हन। ऐतवार वाले दिन 1 तरीक नूं कडूर साहब के बाज़ार के मैं जा रहा सी दवाई लैन वास्ते ज मैडिकल तो जा रहा सी ते ये 5-7 बंदे मेरे एकदम तो मेरे गल पै गए इन्हां को तलवारां ते किरचां ही इन्हां मेरे ते जानलेवा हमला करता वा ते मैनूं बड़ी मुश्किल नाल उत्थे कुछ लोगों ने मैनूं बचाया वा जिहदी सीसीटीवी कैमरे में उस टाइम तो उत्थे हैगा लगा है दुकान के एड वा तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी उत्थों की रिपोर्ट भी लैंदी आ पर फिर भी इन्ना कुछ होने के बावजूद भी उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की। उत्थे उस टाइम के मौके पर उन्होंने को एक एक्टिवा स्कूटी भी रह गई आ जो पुलिस ने चौंकी चार्ज ने लिया के अपने चौंकी च लाई हुई है। इन्ना होने के बावजूद फिर मैं थाने मैनू अस्पताल में दाखिल करता दिता गया तो मेरी उत्थे एम आर रिपोर्ट भी अस्पताल ने देती आ मेरी एक्सरे करके पर अज तक मेरे पुलिस ने कोई बयान भी नहीं लिया तो ना ही कोई उन्होंने कार्रवाई की हुई है। तो अगले दिन जी मेरा भरा वा जी आ मेरा भरा वा तो आदि मिसेज आ यह सिविल हॉस्पिटल नौकरी करते स्टाफ नर्स लगे हुए उत्थे ये अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे तो इन्हों रस्ते घेर के नाले तो इन्हों की कुटमार की गई तो नाले ही इन्हों का मोटरसाइकिल जरा सारा भनता वा तो मौके पर ही असी 12 नंबर पर भी कॉल की मेरे भरा ने तो पुलिस ने रिपोर्ट भी की आ मौके पर पुलिस के आने के बावजूद भी पुलिस ने अज तक फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो हुण अज फिर असी एस एस पी तरन तारण नूं रिपोर्ट दर्ज करा के आए हाँ लिखा के आए हाँ तो अं प्रशासन को मंग करते हैं कि ये जिहड़े खतरनाक लोग वा ये पुलिस को पहला भी कई वारदातों में लोड़ीदे आ तो इन्हां ते सख्त कार्रवाई करके सानूं न्याय दवाया जाए तो साडे परिवार की राखी की जाए तो सानूं इंसाफ दवाया जाए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ित नूं बयान दर्ज करवाण लई कहा गया है तां जो उसके बयान के आधार पर ही बनती कार्रवाई की जाएगी। पहला बाजार च झगड़ा होया सी दोवां बेकियां का मनजीत सिंह का ते नाल मनजिंदर सिंह निहंग का इहदे संबंध च उन्हें मैडिकल रिपोर्ट लई आ 23 का रिजल्ट आया वा लेकिन कई बार उहदा मनजीत सिंह मदई नाल राबता किया गया उह स्टेटमेंट लिखाउण लई नहीं आ रहा स्टेटमेंट उहदी स्टेटमेंट के आधार पर प्लस जो भी मैडिकल उहदे आधार पर जो भी कार्रवाई बनती उह अमल च लैंदी जा रही लेकिन वो स्टेटमेंट लिखाने हाले तक मेरे को नहीं आया। सर उहदे अंदर इह भी कहा गया कि मेरे वल्लों पहला भी पुलिस प्रशासन नूं दरखास्त दित्ती गई तो कार्रवाई नहीं हुई तो वो मेरे गल पै गया दोबारा आ के ये जिहड़ी गल है पहलों की कार्रवाई है जिहड़ी उदन की लड़ाई हुई उहदे बारे जो स्टेटमेंट उह देगा उहदे मुताबिक जो पहली भी दसेगा उहदे मुताबिक ही कार्रवाई स्टेटमेंट ते लिखावे आ के। खडूर साहिब तों रवि खैरा दी रिपोर्ट।
मियां रफीक मोहम्मद सारियां थावां तो मायूस अते निराश होण वाले एक बार फोन जरूर करो जिवें चाहोगे ओवें होएगा इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां फोन ते घर बैठे करवाओ हल वशीकरण अते मुठकरनी लव मैरिज सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी सब तो पहला काम करन दा वायदा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनबन जादू टोना मनमोड़ी वशीकरण करवाओ जल तुड़वाओ रुस्से नूं मनाउणा मोबाइल 84 374 94 384 348 पंडित राधे शर्मा चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा मोड़ी वशीकरण करवाओ मनचाहा प्यार पाओ लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस जमीनी झगड़ा नौकरी कारोबार च रुकावट विदेश यात्रा लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो मैं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगा मोबाइल 98 788 0 85 588 38 617 देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।